गाइस, आज से हम M3R5 यानी कि पाइथन इस सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पाइथन है, यह एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो टर्म्स मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए हैं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले बात आती है कि पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऊप्स के फीचर्स को फॉलो करती है। इसके अलावा जो पाइथन के प्रोग्राम्स होते हैं, हमें उन्हें इंटरप्रिटेट कराना होता है, इस वजह से पाइथन को इंटरप्रिटेटेड कहते हैं। पाइथन की सहायता से आप अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पाइथन की हेल्प से गेमिंग सॉफ्टवेयर या फिर ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर को ही डेवलप कर सकते हैं। इस वजह से पाइथन को जनरल पर्पस लैंग्वेज कहते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं और आप उसमें पाइथन को एज अ स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पाइथन एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो ये आपके अंडरलाइन टर्म्स का एक्सप्लेनेशन था। अब क्वेश्चन आता है ये कि पाइथन को डेवलप किसने किया है। तो पाइथन को गीडो वॉन रोसम के द्वारा डेवलप किया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि गीडो वॉन रोसम जी ने पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों रखा, यानी कि इस प्रोजेक्ट का नाम पाइथन ही क्यों रखा? क्योंकि उस टाइम पे एक बीबीसी टीवी कॉमेडी शो आ रहा था, जिसका नाम था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाई सर्कस। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा नाम रखें इस प्रोजेक्ट का जो बिल्कुल यूनिक हो और स्मॉल हो। तो उन्होंने यहाँ से पाइथन को उठाया और इस प्रोजेक्ट का नाम पाइथन रखा। जो पाइथन है, ये एबीसी लैंग्वेज का सक्सीजर है। आपके एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि पाइथन किस लैंग्वेज का सक्सीजर है, तो आप किसे टिक करेंगे? एबीसी लैंग्वेज को। अब बात करते हैं हम लोग इसके फीचर्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आता है, पहला फीचर है दैट इज एक्सटेंसिबल। जो पाइथन है वो एक्सटेंसिबल है, या हम बोल सकते हैं एम्बेडेड है। इसका मतलब यह है कि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं पाइथन की हेल्प से, और आप उसमें कोई अन्य लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, इसको पाइथन के साथ में यूज़ करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है। इस वजह से पाइथन को एक्सटेंसिबल कहते हैं। इसके अलावा जो पाइथन है, यह एक ओपन सोर्स है GPL के तहत। GPL क्या है, इसको भी समझ लेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि ओपन सोर्स का मतलब क्या है। ओपन सोर्स का मतलब यह है कि जो पाइथन है, इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और जो पाइथन है, इसका सोर्स कोड भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कोई पाइथन के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, ठीक है, और आपने उसको विंडो पे क्रिएट किया और आप उसे मैक पे या फिर लिनक्स पे रन करना चाहते हैं, तो यह पॉसिबल है। यानी कि आप एक ही कोड को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं, बार बार आपको उसको चेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा लेस कोड कंपेयर टू अदर लैंग्वेज एंड मैनी मोर। जो पाइथन का कोड होता है वो अन्य लैंग्वेज की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। मान लीजिए आपको पाइथन की हेल्प से पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना होगा, प्रिंट हेलो वर्ड। लेकिन अगर आप यही काम सी लैंग्वेज की सहायता से करते, तो आपको इतना सारा कोड लिखना होता। तो ये भी एक फीचर्स है पाइथन का, कि अन्य लैंग्वेज के मुकाबले इसमें कम कोड लिखना होता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, दैट इज़ व्हाट इज GPL। GPL का मतलब होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। इसके तहत आप इसके सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। जो जनरल पब्लिक लाइसेंस है, इसको रिचर्ड स्टॉलमैन के द्वारा 1989 में डेवलप किया गया था। इसके तहत आप उस सोर्स कोड को रीड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये GPL लाइसेंस के फ़ायदे होते हैं। ये आपके चार पॉइंट्स इसमें निकल के आते हैं। अब बात करते हैं पाइथन के वर्जन की। जो पाइथन का पहला वर्जन है, उसे 1991 में रिलीज़ किया गया था, जबकि जो इसका सेकेंड वर्जन है वो 16 अक्टूबर 2000 में रिलीज़ किया गया था, और पाइथन 3.0 3 दिसंबर 2008 को रिलीज़ किया गया था। अब बात करते हैं कि पाइथन के कौन कौन से एप्लीकेशन हैं, यानी कि हम लोग पाइथन की हेल्प से किस किस तरह के सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हैं।
तो पहला आपका आता है GUI सॉफ्टवेयर, यानी कि आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, ERP सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं यानी कि रोबोट बनाने में, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप जानते हैं कि जो भी आपकी साइंटिफिक एजेंसी है लाइक नासा, ये भी पाइथन का ही यूज़ करती है, पाइथन का ही यूज़ करती है। इसके अलावा आप गेमिंग एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर जैसे आपका जो सबलाइम है, सबलाइम सबलाइम हो गया, पाइचाम हो गया, ये आपके पाइथन द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। अगर आप देखते होंगे जो पॉपुलर वेबसाइट हैं लाइक ड्रॉप बॉक्स, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ऊबर और भी सारी कई सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जिनको पाइथन के द्वारा ही डेवलप किया गया, यानी पाइथन की हेल्प से ही डेवलप किया गया है। अब बात करते हैं कि जो पाइथन के प्रोग्राम होते हैं उनको हम लिखते किस पे हैं। तो पाइथन को आप दो प्रकार से ले सकते हैं, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, यहीं पर मैं आपको समझाता हूँ। पहला आपका होता है इंटरेक्टिव मोड, यानी कि आप पाइथन के प्रोग्राम्स को इंटरेक्टिव मोड में ले सकते हैं। दूसरा आता है स्क्रिप्ट मोड, या हम बोल सकते हैं स्क्रिप्टिंग मोड, ठीक है, स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंटरेक्टिव और स्क्रिप्टिव मोड में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस ये होता है कि जब भी आप प्रोग्राम को इंटरेक्टिव मोड में लिखते हैं तो उस केस में, जैसे मान लीजिए आपने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो वो तुरंत का तुरंत रिजल्ट वहीं पर शो हो जाएगा, मतलब लाइन बाय लाइन आप लिखते जाएंगे और उसका रिजल्ट तुरंत का तुरंत आता जाएगा, उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। जबकि स्क्रिप्टिव मोड में क्या होता है कि मान लीजिए आपको कि प्रोग्राम क्रिएट करना है, आपने पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा और आपने उसे एक साथ इंटरप्रेट कराया, तो उसको बोलते हैं स्क्रिप्टिव मोड। जब हम बताएंगे आपको प्रैक्टिकली तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कि अगर आप पाइथन की हेल्प से पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड इसको प्रिंट करना चाहते हैं या कोई स्ट्रिंग है तो आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके तीन तरीके हैं, देखते हैं। पहला तरीका, आप लिखेंगे प्रिंट। एक बात और कि जो पाइथन है यह एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैसी है? केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर इसमें आपने कोई लेटर लिखा है कैपिटल में या फिर लिखा है स्मॉल में तो उनको अलग अलग माना जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि आप कैसे प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे प्रिंट, स्मॉल में लिखा गया है प्रिंट, प्रिंट आप लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, या आप जो चाहें लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना होगा वो आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप इसे इस तरह से प्रिंट, एक बात और कि जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पी वो स्मॉल में है, आप इसको कैपिटल ना समझिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा थर्ड कोट्स के अंदर, ट्रिपल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, तो भी आपके सामने हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होगा, ठीक है। इसके अलावा आप इसे सिंगल कोट्स के अंदर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड, तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा, यानी कि हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें डबल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स या फिर सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रिंट ये क्या है। तो एक ये फंक्शन होता है, या हम बोल सकते हैं मेथड होता है, जिसकी हेल्प से हम आउटपुट को शो करते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतने रखते हैं, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जो पाइथन की फ़ाइल होती है, जो आपने पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, जब आप उसको सेव करते हैं तो आप उसके लिए .py इस एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, .py, यानी इससे मालूम पड़ेगा कि जो वो फाइल है वो पाइथन के लिए है, ठीक है। तो जब आप उस फाइल का नाम देंगे तो फाइल के नाम के साथ में .py ज़रूर ऐड करेंगे, ये पाइथन का एक्सटेंशन होता है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड्स।